दोस्तों हम आ गए हैं काइन मास्टर अप्लीकेशन में, प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 916 को रेशियो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको मीडिया पे आनी है। मीडिया पे आने के बाद दोस्तों आपको एक अपनी वीडियो शूट करनी है, जो कि कुछ इस टाइप का आपका वीडियो होनी चाहिए। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जहाँ से लड़का आना स्टार्ट हुआ है वहाँ तक का हमको वीडियो चाहिए। ये वीडियो लेयर पे क्लिक करके सीजर पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट टू ट्रिम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से हम ओके करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ से ये लड़का जंप किया है, मान लीजिए यहाँ से ये जंप किया है, तो यहीं का हमको एक जो है स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेनी है दोस्तों। तो मैं एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से इसको हम यहीं से सीजर पे क्लिक करके और स्प्लिट एट प्लेहेड पे काट करके बीच से काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए ये लड़का नीचे गिर के और उसके बाद से फिर से इधर से जब से आना स्टार्ट करेगा तब से हम लोगों का ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ प्ले करता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ से आना स्टार्ट करेगा लड़का, ठीक है, यहाँ से आना स्टार्ट कर रहा है। तो फिर सीजर पे क्लिक करके और लेफ़्ट टू ट्रिम कर लेंगे, इसको काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपका काम है, जो हम लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं, कैप्चर किए हैं, उसका एक PNG बनाएंगे। तो उसका PNG बनाने के लिए हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं remove busy पे, या ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आ जाएंगे। यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्राउज फ़ोटो पे जो क्लिक करेंगे, ब्राउज फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये एल्बम में जाएंगे। एल्बम में जाने के बाद वो फ़ोटो जो है हम लेके आएंगे जो कैप्चर किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये फ़ोटो मैंने कैप्चर किया हुआ है। अब इसका PNG देखिए बन गया। यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए डाउनलोड हो गया है ऑलरेडी। अब हम चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो हम आ गए हैं फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन में। इसके बाद से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक कीजिए और जो फ़ोटो आप PNG में बनाए हैं वो PNG को लेके आएंगे यहाँ पे और इसको टान के बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा आपका वीडियो है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इधर आ जाइए, पूरा लेफ्ट में आ जाइए, जहाँ से आपका PNG लगाए हैं वहाँ तक आ जाएंगे शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों। इसके बाद से फिर वो फ़ोटो वाला PNG वाला पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ये की वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा करके यहाँ पे हम लगा लेंगे। यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, लड़का जहाँ पे आता है देखता है यहाँ तक ये घूमते रहेगा। उसके बाद ये जैसे मारने का कोशिश करेगा दोस्तों तब हमको ज़रूरत है। तो हम लोग थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ से मारना स्टार्ट कर रहा है तो फिर से इस PNG वाला फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, की वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ये प्लस वाला ऑप्शन को लगा लेंगे। एक बार प्लस वाला ऑप्शन के बाद लगाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ मारा है तो फिर वहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करके और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आगे में फटाक से आ जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कि कहाँ पे ये फिर से एक बार और धक्का देने का कोशिश करेगा। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इफ़ेक्ट एक डाला हूँ। तो फिर इसे इस पर आप क्लिक कीजिए, की पे क्लिक कीजिए और ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दाग हो जाएगा एक तो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ से ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर से ये PNG वाला फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ओवरऑल एनिमेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे स्पिन CCW लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को आपको। तो ये वीडियो कुछ इस टाइप का बन गया है, देखिए ऐसे नाचने लगा। उसके बाद से ये आके मारेगा इसको, जैसे मारा ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से देखते रहिए।
अब इसके बाद से जैसे एक बार और धक्का देगा तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीके से ये वीडियो बन गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपको साउंड लगानी है, तो साउंड लगाने के लिए लेयर पे जाइए, मीडिया पे जाइए और उस वीडियो को लेके आ जाएंगे जिस वीडियो के ऊपर आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये वो वीडियो है जिसके ऊपर जिसका साउंड मुझे चाहिए, तो ये वीडियो लेके आएंगे, यहाँ से सीजर पे क्लिक करके एक्सेप्ट ऑडियो कर लेंगे तो गाना मेरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद से वीडियो को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो है गाना के साथ आपका बन गया है और काफ़ी अच्छा तरीके से लगने लगा है, तो इसी तरीके का ये वीडियो बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।